वैसे जीरा के साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई किसी के साथ क्या करेगा, उसने जो किया अपने साथ खुद किया। वैसे तो मैं ये मर्द औरत वाली बहस में नहीं शामिल होती, लेकिन ये शक क्यों किया जाता है? हर घर में कोई ना कोई मशकूक ऐनक लगा ही लेता है। लोग नफ्सियाती तौर पर उलझते जा रहे हैं। तुम सबको यहाँ 11th क्लब। तुम इतना क्यों सोच रही हो, खुद पे ध्यान दो। ऐसे भी तुम लोगों के असेसमेंट शुरू होने वाले हैं। मैं तो खूब पागलपन का मुजाहिरा करूं। क्यों? नॉर्मल करार दे दिया गया तो तुम मुझे यहां से निकाल दोगे? बाहर की अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? लगती है, लेकिन क्या करें, कमबख्त दिल जो नहीं मानता। और पता है, यहाँ से कुछ नहीं पता, बाहर जाके मुझे कोई चुड़ैल कोई जिन भूत चमड़ जाए फिर मैं क्या करूंगी? मुझे यहाँ रहने दो प्लीज प्लीज। जब तक तुम्हारा दिन है यार, ऐसे एज यू विश। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। आर यू श्योर? यस मैम, 100%। मैंने तैमूर को ऐसी मेडिकेशन पर डाला है कि बहुत जल्द खासा स्लो हो जाएगा और हमारी हर बात मानेगा। गुड, एंड मेक श्योर कि तैमूर के अलावा दो और मेंबर्स भी अपने घरों को चले जाएं। पुराने जाएंगे तो नए आएंगे और इसी तरह हमारा बिजनेस चलेगा। मैंने टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया, बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हमारे पास रिजल्ट्स और दो नए मेंबर्स आ जाएंगे। और हाँ, डॉक्टर बहराम और खास तौर से डॉक्टर परी को समझाओ। उसका बाप मुझे समझाता रहता है, तुम जरा बेटी को तो समझाओ। ओके मैम, एंड थैंक यू। वैसे अगर आप कहें तो बहराम को भी मैं तुमसे कहा गया है उतना ही करो। क्या है इन्हें? पता नहीं। उठ जाए तैमूर साहब। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पता नहीं, उठ नहीं रहे हैं। क्या दवा दे रहे हो? जो डॉक्टर साहब ने लिखी वही? डबल डोज तो नहीं दे दी? एक ही बंदा दे रहा है ना। बाबा जी। बाबा होगा तेरा बाप। हाँ जी, कह रही है ख्वाबों का सफर। मैंने तावान नहीं दिया, उसने नूर नहीं दी। अच्छा, तो फिर अब क्या किया जाए? मेरी बेटी को वापस लाया जाए। जहां पना, आपसे पना। बेटी कह रही है कि मुंह बोले अब्बा की अकल ठिकाने आ जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। खतरनाक औरतों की नस्ल से हो तो। नस्ल मर्द से चलती है। झूठ, सब झूठ। आप ठीक हैं? चोट तो नहीं लगी? हाँ, गिर गए थे। तू आ गई? तू अनिला ने छोड़ दिया तुम्हें? पैसे किसे दिए? जो कुछ भी हुआ, आइटम सॉन्ग स्किप करके पूरी फिल्म दिखा दो इन्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। आप परेशान हो? नहीं, नहीं। वो यहीं कहीं पर है, उसके पास पिस्तौल है, मार डालेगी। मैं उसे डरा कर भगा दूंगी, कुछ नहीं होगा। तुम उसे नहीं जानती। आजकल किसी की जान लेने के लिए उसे जानना जरूरी नहीं। नूर और टीना के वापस आने पर डॉक्टर मारिया की शक्ल तो देखने वाली थी। सॉरी सर। छोड़ो ये सब, रीमा को देखो और खुद भी एहतियात करो। तुम दोनों की बहुत शिकायत आ रही है, बहुत सख्ती करते हो तुम लोग मेंबर्स के साथ। किसी मेंबर के साथ हाश होने की जरूरत नहीं है, बहुत नरमी से पेश आओ इनके साथ। सर, अगर कोई मेंबर ज्यादा हाइपर हो जाए, खुद को नुकसान पहुंचाए, फिर क्या करूं? सर, ना तो हम यहाँ इन हसास लोगों का रिवायती इलाज करते हैं और ना ही कभी ये कमिट किया है, लेकिन फिर भी कुछ दिमागी मरीज इस 11th क्लब को पागलखाना समझते हैं और यहाँ भर्ती होना चाहते हैं। इस वक्त भी एक लंबी कतार खान के पास दरवाजे पर है, उनका क्या करो? उन सबको डॉक्टर मारिया से मिलवा दो। किस लिए? तुम खुद को मालकम समझते हो ना इस फैंटेसी वर्ल्ड की? बहराम, शुक्र करो कि लड़कियां मिल गई। अगर ना मिलती ना तो पहले तो सिर्फ मैं तुम्हें सर फिरा कहती थी, लेकिन फिर पूरी दुनिया कहती कि एक नफसियाती मरीज जो खुद लाइलाज है, वो इन नफसियाती मरीजों का ख्याल रख। मोहब्बत करना हर अरे गरे का काम नहीं है। आपने ये जहमत क्यों की? ज्यादती मेरी तरफ से हो रही है, लेकिन मैं
आपसे एक पाकीज़ा रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तो करो ना निकल। यही तो नामुमकिन है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? छपा डालूं। फरार का एक और रास्ता, अच्छा बहाना है। इनफैक्ट शॉर्टकट। हिम्मत ना ना, वो बिल्ली का बच्चा नहीं पालते और आपने तो इश्क ही फरमा लिया। ताने देना बंद करो, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। खुद तो डूबे सनम, साथ में हमें भी ले डूबे। सही है भाई। और जूरा की थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, व्हिच एवरीबॉडी नोज अबाउट। इन तमाम चीजों को सुन के दी इलेवेंस क्लब के सारे मेंबर्स गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एवरीबॉडी इज अपसेट। कोई भी अपसेट नहीं है। और आपकी इतना के लिए अर्ज है, रीसेंट असेसमेंट के बाद मेंबर्स के अंदर सच बोलने का, अपना आप शेयर करने का रुझान बढ़ रहा है, और बल्कि वो तो बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर मैं हूं कि तुम? आई गिव द ऑर्डर्स हियर। और तुम भूल रही हो, मेरे से आर्ग्यू नहीं कर सकती तुम। इस तरह के जवाब देने की वजह से ना तुम लोगों ने दी इलेवंस क्लब जैसे मॉडल इदारे को चौक चिश्ती बना रखा है। इसी जगह का गलत नाम ले रही हो तुम। सब ठीक है? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैम शालम के ऑर्डर्स हैं कि कोई देर तक नहीं जागेगा, सब जल्दी सोएंगे और सुबह 8 बजे ऑन द डॉट स्टाफ सब मेंबर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करेगा। एम आई क्लियर? 9 बजे ठीक नहीं था, अब 8 बजे उठना पड़ेगा। चलो यहाँ से। मैम ऑर्डर सर्व कर दूं आप? अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगी। इनकार के बाद मैंने ना तैफूर के पांव पकड़े ना मिन्नत की, उसके गुरूर को ठोकर मार दी। उसका क्या बिगड़ा? सलमान से तानिया की शादी का ख्वाब तो तुम्हारा था जो टूट गया। अब यही बेटी बाप की नाक रगड़वाएगी। तानिया सलमान को नहीं भूलती, वो अपने बाप को नहीं छोड़ेगी। तो फिर उस जंग का इंतजार करो जो बाप बेटी में छिड़ने वाली है। तुम किसी का इंतजार कर रही हो? इंसान अगर देर से आया तो उसको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे डैड की धमकियों के बावजूद आ तो गया हूं। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आया हो। अगर तुम ना आते तो तुम्हारे घर आ जाती मैं। किरण जी और डिस्टर्ब हो जाती हूं। खैर, सिचुएशन तुम्हारे सामने है, हम मिलकर क्या करेंगे? शादी? अपने डैड की लाडली तुम हो, मैं नहीं। तुम मजाक समझ रहे हो? अपने कत्ल का प्लान समझ रहे हो? मैं तुमसे कल कोर्ट मैरिज कर रही हूं। शादी करने बराती आज बुला लिया। देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।